हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज डायमेंशन में। आज हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमंड रॉस होता क्या है। डायमंड रॉस वो होता है जहां पे डायमंड की कटिंग, पॉलिशिंग और ट्रेड की जाती है। तो अब हमारे इंडिया के सूरत में वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है, जिसका नाम है सूरत डायमंड ब्रॉस। ये एक बहुत बड़ा हब है जहां पे डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग की जाएगी। इसको प्लान किया गया है जिससे कि हम डायमंड ब्रॉस को एक्सपेंड कर सकें और शिफ्ट कर सकें डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस को मुंबई से सूरत में। देखिए, हमारे भारत में पहले से डायमंड ब्रॉस अवेलेबल था, जो कि मुंबई में है, जिसका नाम है भारत डायमंड ब्रॉस BDB। यहां पे इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग हुआ करती थी, जो कि अब शिफ्ट हो चुकी है सूरत में। इसे शिफ्ट करने का रीजन क्या हो सकता है? इसे शिफ्ट किया है हमने सूरत में क्योंकि हमारा जो ज्यादातर डायमंड मैन्युफैक्चर होता था वो सूरत में होता था। फिर डायमंड को मैन्युफैक्चर करके उसको मुंबई लाया जाता था। इस बीच में 4 से 5 घंटे का टाइम लगता था। ऊपर से कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, लोग बाग नॉर्मली लेके आया करते थे, जिससे कि डायमंड लॉस होने का खतरा रहता था। इसलिए हमने इसको मुंबई से डायरेक्ट सूरत में शिफ्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने मुंबई के डायमंड ब्रॉस को बंद कर दिया है, वो भी चालू रहेगा और ये भी चालू रहेगा, लेकिन अब हम सूरत से डायरेक्ट इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा जो डायमंड ब्रॉस है सूरत का, वो कम से कम 35 एकड़ की लैंड पे फैला हुआ है, और जो मुंबई में प्रेजेंट है भारत डायमंड ब्रॉस, वो 8 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है। हमारे सूरत डायमंड ब्रॉस के ओनर है श्री वल्लभ भाई पटेल। हमारे जो सूरत डायमंड ब्रॉस है वो बिगेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 66 लाख स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है, और इसको कहा गया है ड्रीम सिटी। ड्रीम का मतलब होता है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल। मर्सेंटाइल मींस होता है ट्रेड, मींस वो सिटी जहां पे डायमंड की रिसर्च और ट्रेड की जाती है। इसको नाम दिया गया है ड्रीम सिटी। इसको डिजाइन किया है मॉर्फोजेनेसिस ने, और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा ऑफिस है जो कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, और इसने जो US का पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग है उसको भी पीछे छोड़ दिया गया है। अब जो US का पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग है, ये किस लिए थी? ये जो US की डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उसका हेडक्वार्टर है। अब हमने इसको पीछे छोड़ के पहले नंबर पे आ गई है हमारी सूरत डायमंड ब्रॉस ऑफिस बिल्डिंग। सूरत जो है वो पहले से ही वर्ल्ड का 90% डायमंड को मैन्युफैक्चर करता है। जो हमारा सूरत डायमंड ब्रॉस है उसमें सारी डायमंड एक्टिविटीज होंगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रफ डायमंड, पॉलिश डायमंड की सेल्स, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, सॉफ्टवेयर जो कि डायमंड प्लानिंग में यूज होते हैं, और लैब ग्रोन डायमंड, ये सब अवेलेबल रहेगा ब्रॉस में। लैब ग्रोन डायमंड क्या होती है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। लैब ग्रोन डायमंड वो होते हैं जो एकदम रियल होते हैं, पर वो नेचुरली अर्थ से माइन ना करके उनको लैब में ग्रोन किया जाता है। इनको ग्रीन डायमंड भी कहते हैं। इनकी एकदम डायमंड जैसी प्रॉपर्टी होती है, उसका सेम कंपोजिशन होता है, उसकी हार्डनेस वगैरह सब कुछ सेम होता है, बस इनको एक लैब में ग्रो किया जाता है। देखिए, हमें पता है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड की कंट्री, वो है अफ्रीका और रशिया। तो इंडिया अफ्रीका रशिया से डायमंड मंगाता है और उसको कटिंग, पॉलिशिंग वगैरह ये सब करके फिर उसको एक्सपोर्ट करता है। तो अब इंडिया ये चाहता है कि अब हम यहीं पे इंडिया में ही अपने डायमंड को बनाएं और दूसरे देश में एक्सपोर्ट करें, इसलिए हम लैब ग्रोन डायमंड पे फोकस कर रहे हैं अभी। हमारे PM नरेंद्र मोदी जो थे इंडिया के, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम US को विजिट किया था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उनकी वाइफ को जिनका नाम था जिल बाइडन, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया था, जो कि सूरत से ले गए थे। सूरत डायमंड रॉस जो है वो एक बहुत बड़े शॉप या मार्केट है जहां पे 65,000 डायमंड प्रोफेशनल्स वर्क करेंगे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन चुकी है, जिसने US की पेंटागन ऑफिस बिल्डिंग को पीछे छोड़ दिया है। ये 35 एकड़ की लैंड पे फैली हुई है, जिसमें 9 रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हर कॉम्प्लेक्स में 15 फ्लोर्स है। ये जो सूरत डायमंड रॉस है उसका जो फ्लोर का स्पेस है वो 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो कि इसको बहुत बड़ा बनाता है पेंटागन से। पेंटागन जो है, हमने अभी देखा कि ये US की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर है, इसको पीछे छोड़ दिया है हमने।
जो कि जो यूएस का पेंटागन था ये 80 साल से पहले नंबर पे था और अब जाके ये सेकंड पे पहुंच चुका है सूरज डायमंड ब्रॉस के बाद। हमारी जो सूरज डायमंड ब्रॉस है उसमें कम से कम 4700 ऑफिस स्पेस है और 131 एलिवेटर्स है। एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम यूएस का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है CNN, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। हम वर्ल्ड की ऑफिस बिल्डिंग्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर पे आती है सूरत डायमंड ब्रॉस जो कि गुजरात की सूरत सिटी में प्रेजेंट है इंडिया में। पेंटागन ये यूएस की एर्लिंगटन सिटी में प्रेजेंट है। हमारा सूरत डायमंड ब्रॉस जो है उसका कंस्ट्रक्शन 2016 में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो बन ही रहा है, अभी इसको इनॉग्रेट नहीं किया है। इसको पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे 21 नवंबर को ऐसा माना जा रहा है।